हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको क्लच का कंट्रोल दिखाऊंगा, नॉर्मल सिटी ट्रैफिक में किस तरह से हमें कार को कंट्रोल करना चाहिए क्लच के थ्रू, और कितनी बार आपको क्लच प्रेस करना पड़ सकता है, और कैसी सिचुएशन होती है जो आपको क्लच से कंट्रोल करनी पड़ती है कार को। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कम्प्लीटली ट्रैफिक में ड्राइव करने से रिलेटेड है, जिसमें मैक्सिमम न्यू ड्राइवर्स को क्लच से कंट्रोल में प्रॉब्लम आती है या गियर शिफ्टिंग में प्रॉब्लम आती है। तो ये वीडियो कम्प्लीटली ड्राइविंग से, एडवांस ड्राइविंग से रिलेटेड है, जिसमें हम जो सिचुएशन होती है, या फिर बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा या नॉर्मल ट्रैफिक होगा, सिटी ट्रैफिक होगा, जिसमें हम ड्राइव करके आपको दिखाएंगे किस तरह से हमारा क्लच का कंट्रोल होना चाहिए जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं। और आप साथ ही साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कैसी सिचुएशन अराइज होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें, आपको पूरी कंट्रोल्स के बारे में समझ में आ जाएगा कैसे हमारे स्टीयरिंग का कंट्रोल होगा, गियर शिफ्टिंग, क्लच, ब्रेक और एक्सीलेटर का। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम एक सिग्नल की तरफ चल रहे हैं, सिग्नल आगे रेड है फिलहाल, और थोड़ा सा ट्रैफिक है। आप देख सक रहे हैं कि किस तरह का ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा डेंस ट्रैफिक नहीं है, ना ही बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होगा, बट सिग्नल ओपन होता है तो सिचुएशन ऐसी हो जाती है फ्रेंड्स की कार मूव करनी होती है तो थोड़ा सा आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काइंड ऑफ फील होगा, या फिर आप कह सकते हैं मूवमेंट स्लो होगा तो स्लोली आपको क्लच से कंट्रोल करनी होगी कार को। अभी जैसे मैंने फर्स्ट गियर लगा रखा है और जैसे ही मूवमेंट करेंगे, देखिए क्लच को रिलीज किया मैंने, वापस से ब्रेक अप्लाई की क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट हुआ था, फिर ब्रेक स्लो हो गया था ट्रैफिक। ये देखिए फिर से वही हुआ, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ फिर स्लो हो गया ट्रैफिक आगे का। आगे कार जो खड़ी है या मूव हो रही है तो स्लोली मूव हो रही है, और उसके आगे बस खड़ी है तो आगे सिचुएशन ये देखिए अभी क्या हुआ, ये स्लो मूव करके मेरे को राइट की तरफ जाना पड़ा क्योंकि आगे बस खड़ी है और पीछे से भी ट्रैफिक आ रहा है। हल्का सा मैंने इंडिकेटर लगा रखा है, हल्का सा मूवमेंट करेंगे तो इसलिए मैंने इंडिकेटर राइट का लगा रखा था। अब मैं इंडिकेटर हटा चुका हूँ लेकिन बस जैसे ही मूव हो रही है तो मेरे को ध्यान रखना है पीछे से ट्रैफिक जो आ रहा है उसको देखते हुए मुझे मूवमेंट करनी पड़ेगी अपनी कार में। अभी आप देखिए मैंने सेकेंड गियर लगाया, क्लच का मूवमेंट बहुत कम था, जब आगे फर्स्ट गियर में स्लोली मूव कर रहा था उस समय मूवमेंट था क्लच का, लेकिन उसके बाद मूवमेंट की नीड नहीं पड़ी या क्लच का यूज़ नहीं पड़ा। मेरे जस्ट पीछे एक बस है जो कि ओवरटेक लेना चाह रही है, रफ ड्राइविंग आ रही है उनकी, ये देखिए किस हिसाब से चला रहे हैं, एम्प्टी बस है, खाली बस लेके जा रहे हैं, तो वो सिचुएशन ऐसी होती है कि अचानक से पैनिक क्रिएट कर देते हैं ये। तो अभी मैंने क्लच का यूज बिल्कुल भी नहीं लिया है, आगे चलेंगे अभी यहाँ पे फिर से एक सिग्नल आ रहा है और ट्रैफिक होगा तो मैं आपको मूवमेंट दिखाऊंगा किस तरह से हमारा क्लच का मूवमेंट होगा। अभी यहाँ से टर्निंग में हम लेफ्ट ले लेंगे और सिचुएशन ऐसी है कि फ्रेंड्स अभी मूवमेंट नॉर्मली है, मैं 40 की स्पीड में आराम से मूव कर रहा हूँ, अभी आगे बाइक है तो मेरे को स्लो डाउन करना होगा, मेरे लिए लेफ्ट का सिग्नल ओपन है, मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ अपनी कार को। अभी देखिए यहाँ सिचुएशन आप देखिए थोड़ा सा किस तरह से यहाँ लोग आ रहे हैं बीच में, तो मेरे को क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट सेकेंड गियर लगाया क्योंकि मेरी कार की स्पीड जो एकदम कम्प्लीट डाउन नहीं थी, अबव 10 थी, तो मेरे को सेकेंड गियर में अपनी कार को लेना पड़ा डाउन शिफ्ट करके। और अभी मैं मर्ज कर रहा हूँ एक लेन के साथ, यहाँ पे सिचुएशन आप देखिए गियर शिफ्ट करना है तो मेरे को क्लच प्रेस करके मूवमेंट किया मैंने, और नॉर्मल ट्रैफिक जैसे मैंने आपको कहा नॉर्मल ट्रैफिक होता है तो किस तरह से सिचुएशन होती है। अभी यहाँ पे मेरे आगे जो बस चल रही है वो एक नॉर्मल स्पीड में चल रही है, मैं भी 40 की स्पीड में हूँ, थर्ड गियर लगा रखा है मैंने, और आगे स्लो होगा अगर ट्रैफिक, ये देखिए मूवमेंट स्लो हुआ जैसे ही, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, क्लच प्रेस करना पड़ा, साथ ही साथ मैं फर्स्ट गियर लगा लिया क्योंकि कम्प्लीटली स्टॉप हो चुकी थी कार मेरी, बिलो 10 आ गई थी कार की स्पीड, तो मेरे को ये चीज का ध्यान रखते हुए अपनी कार को स्लो डाउन करके मैंने क्लच प्रेस कर रखा है। अभी जैसे ही मूवमेंट आया आरपीएम लो था इसलिए क्लच प्रेस कर रखा, आप मूवमेंट देखिएगा फ्रेंड जैसे जैसे मूवमेंट होगा, अभी देखिए क्लच पूरा कम्प्लीटली रिलीज है, और अब आगे जैसे ही मेरे को सिचुएशन मिलेगी, ये देखिए बाइक बीच में थी तो मेरे को ब्रेक अप्लाई करके क्लच प्रेस करना पड़ा फिर से क्योंकि आरपीएम लाउ डाउन है, ब्रेक अप्लाई की है, कार स्लो डाउन है, और बहुत सारी सिचुएशन होती है आप नोटिस करिएगा फ्रेंड्स क्लच का, जब मैं क्लच प्रेस करूंगा क्लच की सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट अराइज हो जाती है, जब मैं क्लच प्रेस करूंगा जब कार मूवमेंट होगी स्पीड में होगी तो मेरे को क्लच की नीड नहीं है, डायरेक्ट मैं ब्रेक अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर में होऊंगा, अभी जैसे मैं फर्स्ट गियर में हूँ, बहुत सारी सिचुएशन में है कि मेरे को क्लच प्रेस करके, ये देखिए बाइक अभी बीच में आई तो मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी क्योंकि मैं फर्स्ट गियर में हूँ, कार का आरपीएम भी डाउन था,
और स्पीड भी स्लो है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि मेरे को क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं स्पीड में होता हूँ, जैसे अभी देखिए मैं सेकंड गियर में हूँ, मैंने थर्ड गियर लगाया, एक स्पीड में आया हूँ, अब मेरे को अगर ब्रेक अप्लाई करनी होगी, आगे देखिए आगे जो टेम्पो चल रहा है ट्रैवलर, ये देखिए मैंने स्लो डाउन किया, ब्रेक अप्लाई करके स्लो डाउन कर लिया, क्लच प्रेस किया क्योंकि मेरे को डाउन शिफ्ट करना था, लेकिन मैंने इस सिचुएशन पे पहले ब्रेक अप्लाई की फिर क्लच प्रेस किया। ये सिचुएशन आप समझिएगा डिफरेंट सिचुएशन होती है जब हम क्लच प्रेस प्रेस पहले करते हैं फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, और कंडीशन ऐसी भी हो जाती है जिसमें पहले ब्रेक अप्लाई करनी पड़ती है फिर क्लच प्रेस करना पड़ता है। तो अभी भी आप नोटिस करिएगा इस चीज को, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया हूँ इसीलिए ताकि आप नोटिस कर सकें। अभी देखिए मैं फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे को क्या क्लच प्रेस करना पड़ रहा है ऑल द वे, मेरे को जैसे ही कार स्लो डाउन हो रही है, आगे वाला ट्रैफिक स्लो डाउन हो रहा है तो मेरे को क्लच प्रेस करना पड़ रहा है आरपीएम जो क्योंकि डाउन है। और यही अगर मैं स्पीड में होऊंगा, ये देखिए अगर मैं स्पीड में होता हूँ थर्ड गियर या उससे अबव या सेकेंड गियर में भी कोई स्पीड में प्रॉपर स्पीड 30-40 की स्पीड होगी मेरी, अभी देखिए मेरे को स्लो डाउन करना है, मैंने एक्सीलेटर रिलीज किया है, और जब मेरे को कार को स्लो डाउन करना होगा तो मैं पहले ब्रेक अप्लाई कर, ये देखिए ये आगे वाला ट्रैवलर स्लो हुआ, मेरे को ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, जैसे ही मेरे कार की आरपीएम डाउन आई तब मैंने डाउन शिफ्ट किया, अभी कंप्लीट स्टॉप है इसलिए मैंने फर्स्ट गियर लगा लिया, सेकंड गियर लगाया था पहले फिर फर्स्ट गियर लगा लिया। आगे सिग्नल तो ग्रीन है लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ट्रैफिक थोड़ा सा ज्यादा है, तो अब उस वजह से क्या होता है कि हो सकता है जब जाएंगे हम तो वापस से रेड मिल जाए, या ग्रीन सिग्नल है मूवमेंट में टाइम लगेगा, तो अभी मैंने न्यूट्रल कर लिया है, मेरे से आगे जो दो तीन कार आगे जैसे मूवमेंट स्टार्ट होगा तो मैं फर्स्ट गियर लगाऊंगा। अभी जैसे हो गया मैं फर्स्ट गियर लगाया, ये देखिए ये भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो मैं क्लच का यूज़ आप देखिए क्लच को रिलीज कर रहा हूँ, और जैसे ही मूवमेंट आ रहा है हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस करना पड़ रहा है तो प्रेस कर रहा हूँ, फिर से देखिए अब सिचुएशन ऐसी होगी तो मेरे को ये देखिए ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, तो ब्रेक अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं क्लच प्रेस करके कर रहा हूँ ताकि मेरे कार बंद नहीं हो, आरपीएम डाउन है इस वजह से, नहीं तो कार क्या जर्क होके बंद हो सकती है। अभी मेरे को क्लच से ही देखिए कंट्रोल करना पड़ रहा है, यहाँ सिचुएशन हो जाती है काइंड ऑफ बम्पर टू बम्पर स्लो मूविंग होता है, जब आगे का जो ट्रैफिक स्लो मूविंग होता है तब सिचुएशन होती है कि बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाती है जिसमें मेरे को स्लोली मूव करना होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है हम क्लच को रिलीज करेंगे, अभी आपको दिखाता हूँ सिग्नल ग्रीन होते ही ऐसे ही आप देखिएगा स्लो मूवमेंट होता है, तो उस कंडीशन में हम कैसे मूव करेंगे अपनी कार को, मेरा फुट मूवमेंट पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट फुट, ये देखिए क्लच मैंने रिलीज किया, हल्का सा एक्सीलेटर प्रेस किया, आगे बढ़ाया, जैसे ये देखिए वापस से क्लच प्रेस करके ब्रेक अप्लाई करनी पड़ी, फिर से वही कंडीशन, क्लच रिलीज किया हल्की सी एक्सीलेटर प्रेस किया, अब आगे मूवमेंट मेरे को दिख रही है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, टू व्हीलर्स बीच में आ गए हैं, तो मैंने एक्सीलेटर प्रेस कर लिया सेकेंड गियर लगा के, अभी ये सिग्नल रेड हो गया तो मैं कंप्लीट स्टॉप कर दूंगा क्योंकि सिग्नल रेड है और अचानक से कुछ बीच में आ जाएगा तो मेरे को प्रॉब्लम होगी। अभी आप देखिए मैं सिग्नल में फ्रंट में खड़ा हूँ, अगर इस सिचुएशन पे अगर मैं क्लच का यूज़ प्रॉपर नहीं लेता हूँ तो पीछे से हॉर्न लगना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो जाए कि मेरी कार भी बंद हो जाए, तो उस कंडीशन को ध्यान रखते हुए अपनी कार को मूव करना है। ये देखिए सिग्नल ग्रीन हुआ जैसे ही, तो मैंने क्लच का कंट्रोल करते हुए अपनी कार को मूव किया है, अब गियर सेकेंड गियर लगा लिया, क्लच का मूवमेंट देखिएगा आप क्योंकि ट्रैफिक में तो क्लच का मूवमेंट होता ही है, लेकिन जैसे जैसे आपने गियर शिफ्ट करना है उसमें भी आपका क्लच यूज आ रहा है, अप शिफ्ट करना है या डाउन शिफ्ट करना है उसमें भी आपका क्लच यूज आ रहा है, अभी जैसे टू व्हीलर मेरे लेफ्ट में था तो अगर अचानक से मेरे सामने आता तो मेरे को पहले से स्लो डाउन करना पड़ता, बट मैंने उनको हॉर्न लगा के ओवरटेक ले लिया ताकि वो सिचुएशन ही नहीं आए, अगर मेरे पास स्पेस है तो मैं ओवरटेक ले लूंगा ताकि वो सिचुएशन ही नहीं आए कि उन्हें वो मेरे सामने है और मैं पैनिक सिचुएशन पे आ जाऊं, तो कोशिश करेंगे एक तो ब्लाइंड स्पॉट में नहीं रखना है कोई भी व्हीकल पीछे से है, या तो उनसे आगे निकल जाएं ब्लाइंड स्पॉट आउट हो जाएगा, या उनसे पीछे की तरफ हो जाएं ताकि वो आपके स्पॉट में आए, मतलब रियर व्यू मिरर के ब्लाइंड स्पॉट में नहीं आए, एक वो सारी सिचुएशन होती है, एक ऐसी होती है कि आप किसी को अपने आगे लेफ्ट में कॉन्टिन्यूसली चलते हुए देखेंगे तो आपको एक पैनिक सिचुएशन अराइज होती भी दिख सकती है, तो इस चीज का ध्यान रखते हुए अभी देखिए मेरे को क्लच का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, नीड नहीं पड़ रही है, आगे जैसे ही रिक्वायरमेंट, ये देखिए अभी स्लो डाउन हुआ, ब्रेक अप्लाई की मैंने, अब क्लच प्रेस करके डाउन शिफ्ट किया, सेकेंड गियर लगाया लेकिन अब कंप्लीट स्टॉप हो गया है तो फर्स्ट गियर ले लिया मैंने, तो किसी भी सिचुएशन में हमें जब क्लच, अभी आप देखिए क्लच प्रेस किया था फिर रिलीज किया, फिर से अभी देखिए मेरे को कंप्लीट स्टॉप करना पड़ा, आगे रोड हो सकता है खराब है तो ये स्लोली चला रहे हैं,
तो मेरे को भी इनका आगे का ट्रैफिक देखते हुए मेरे को मूवमेंट लेना होगा अपनी कार में। अभी देखिए आगे बस है, स्टॉप हो रखी है बस, तो क्या स्लोली मूवमेंट हो रहा है ट्रैफिक में। मर्जिंग ट्रैफिक में देखिए मैं किस तरह से मूव कर रहा हूँ। क्लच अभी भी मैंने प्रेस नहीं किया, जब मेरे को गियर शिफ्ट करनी पड़ी, अपशिफ्ट करना पड़ा, उस समय मैंने क्लच प्रेस करके मूवमेंट ली है। सबमर्जिंग ट्रैफिक जब भी होता है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, हो सकता है आपने स्लो डाउन करना पड़े, हॉर्न अप्लाई करना पड़े, तो सारी सिचुएशन देखते हुए अपनी कार आपने मूव करनी होती है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो में आपको समझ आ गया होगा क्लच का मूवमेंट किस तरह से ट्रैफिक में करना है। अभी तो ओपन स्पेस आ गई है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, गियर डाउन शिफ्ट या अपशिफ्ट करूंगा उसमें मूवमेंट आएगा, लेकिन जब ट्रैफिक होता है आपने नोटिस किया होगा किस तरह से कंडीशन हुई थी और मैंने किस तरह से कंट्रोल की अपनी कार को क्लच में लेते हुए। फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।